हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कार के लाइट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने मारुति सुजुकी ओमनी है और ये मारुति सुजुकी ओमनी ड्राइविंग लेसन पार्ट 7 है। तो इसमें हम आपको कार के लाइट कंट्रोल के बारे में सारी जानकारी देंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मारुति सुजुकी ओमनी है तो ओमनी का लाइट कंट्रोल का सारा फीचर्स जो है आपको बताने वाले हैं, कैसे लाइट कंट्रोल किया जाता है और कैसे आपको कौन सा लाइट जलाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, एक स्टिक होता है स्टीयरिंग के नीचे और एक बटन भी होता है साइड में। वो ये दो तरह का यहाँ पे लाइट है, जो हेडलाइट को एडजस्ट करता है और यहाँ पे टर्निंग लाइट को भी एडजस्ट करता है, और साथ में ऊपर एक लाइट आपको दिखने को मिल जाता होगा। ये काफ़ी ज़बरदस्त लाइट है। ये लाइट है दोस्तों रीडिंग लैंप है ये। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा फीचर्स मारुति ओमनी में भी मिल रहा है। अगर आपका डोर बंद कर दो तो ये लाइट बंद हो जाएगा, अगर आपका कार का डोर खोलो तो ये लाइट जलने लगेगा। इसको ये फीचर्स को एनेबल करने के लिए आपको मिडिल पोजीशन में इस लाइट को रखना पड़ता है, जैसा कि है, और यहाँ पे राइट साइड में अगर रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और लेफ्ट साइड को किनारे ले जाएंगे तो ये जलने लगेगा। तो दोस्तों चलिए आप आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके सारे डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले लेने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इग्निशन क्विज ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर इग्निशन के सारे जो लैंप हैं ये जलने लगते हैं। तो ये सब लैंप जो है जलने लगेंगे, अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो सारा लाइट जो है बंद हो जाएगा, तब जाके समझ लेंगे कि गाड़ी ओके है। तो चलिए दोस्तों, ये स्टिक जो है आपको स्टीयरिंग के नीचे दिया गया है, इसमें आपको ये लाइट का सिंबल देखने को मिलेगा और साथ में इसमें यहाँ पे एक साइड में ऑफ लिखा है, यानी कि अभी ये ऑफ पोजीशन में है। इसे आप धीरे से घुमाएंगे तो ये छोटा छोटा दो लाइट जो होता है हेडलाइट पे वो जलने लगेगा और डैशबोर्ड पे आपको ग्रीन लाइट चारों तरफ दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे भी लाइट चल रहा है तो आपको पता नहीं चलता होगा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रीन लाइट जल रहा है। तो इसको एक और बार घुमाएंगे तो आपका जो हेडलाइट है वो मेन जलने लगेगा। अभी ये हेड पे है और ये डिपर में कर देना है, तो ये जो लाइट है यहाँ पर जल रहा है ये हेड का है। अगर आप इसको डिपर में कर देंगे तो ये हेड का लाइट बंद हो जाएगा। डिपर करने के लिए दोस्तों आपको इसको क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर लेना है और नीचे लेना है, दो काम करने से ये काम करता रहेगा, काम चलता रहेगा। ऊपर लेंगे तो ये डिपर पे आ जाएगा, नीचे लेंगे तो ये हेड पे आ जाएगा, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप टर्निंग लेते हैं तो टर्निंग लेने में टर्निंग लैंप लगाया जाता है। तो टर्निंग लैंप जो है कैसे लगाया जाता है आपको बताया, तो हम आपको सीधे की तरफ आपको स्टिक को लेना है, मैं जैसे लेता हूँ, देखिए सीधे की तरफ लेंगे तो ये लेफ्ट साइड का टर्निंग लैंप जो है जलने लगेगा। इसी तरह अगर आपको राइट साइड का टर्निंग लैंप जलाना है, राइट साइड पे जाना है, तो दोस्तों इसी तरह आपको इसी तरह नीचे की तरफ जो है सीधे की तरफ नीचे की तरफ दबा देना है। तो दोस्तों, ये आपका जो है राइट साइड का टर्निंग लैंप जलने लगेगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका था, मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कार के जो अलग अलग हेडलाइट है कंट्रोल के बारे में। तो दोस्तों, हेडलाइट कंट्रोल का बटन एक नीचे आपको दिखने को मिल जाता है, जो वॉल्यूम शेप में है, जो मैं अभी इसके बारे में आपको बता देने वाला हूँ। ये आपके हेडलाइट को एडजस्ट करेगा। अगर आप हेड पर लगा देते हैं तो आपको थोड़ा सा डाउन चाहिए तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। जीरो में रखेंगे तो ये सीधा आ जाएगा और जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 करते जाएंगे, ये लाइट उतना नीचे नीचे जाता जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सही से मार्किंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जितना मैं ऊपर लेता हूँ ये नीचे चला जाता है और जितना मैं कम करता हूँ इसको ये ऊपर जाता है, यानी कि जीरो की तरफ मैं लेता हूँ तो ये लाइट जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, अगर मैं 4 की तरफ अगर इसको बढ़ाता हूँ तो ये लाइट जो है नीचे की तरफ आ जाता है। तो एक और लाइट इसमें होते हैं इमरजेंसी लाइट, जिसे हम हाजार्ड लैंप कहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गाड़ी पे, या फिर कोहरा हो या फिर बारिश ज़्यादा हो, तो आपको हाजार्ड लैंप जला देना है और ये आपके गाड़ी के चारों तरफ का लाइट जो है ऑन कर देगा, जो आपको सेफ बनाएगा रास्ते में चलने के लिए, जिसका आप स्टार्टिंग में वीडियो देख चुके हैं और मैं यहाँ पर एंडिंग में भी वो वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।